नमस्कार, कमलेश कैसे हैं? हमारे साथ कमलेश जी हैं जो हमारा एडिटोरियल यूज़ करते हैं फ्लाइएस वर्क में। तो सर, आप अपने बारे में, अपने फर्म के बारे में कुछ बता पाएंगे, कैसा चल रहा है? आप शुभ नाम, पूरा नाम क्या? मेरा नाम कमलेश यादव है। इस चीज़ को लाने से वो बेनिफिट ये हुआ कि आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ता, बहुत कम आदमी में अच्छा से काम कर लेता है। यही बेनिफिट है इसमें। आज हर जगह लेबर की परेशानी है, तो लेबर से बचने के लिए चीज़ है, बहुत उपयुक्त है, अच्छी चीज़ है। अच्छा। इसको उपयोग करना चाहिए, जितने प्राइवेट फैक्ट्री वाले हैं जो भी है, उसमें बेनिफिट भी है। इसमें मार्जिन भी थोड़ा बचता है, डीजल इतना खपत नहीं होता जितना होना चाहिए, कम है ऐसा। कितना समय हो गया सर लोडर लिए आपको? दो साल आसपास। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, मतलब लोड करना? इसमें लोड करते हैं हम लोग जीरा डस्ट, जीरा उधर है, रेती है और ये डस्ट है, उसको सबको मिक्स करके इसमें डालते हैं। डायरेक्ट मिक्सर मशीन? डायरेक्ट यहीं से डालते हैं। यहीं सेटअप है इनका, है ना? ये कितने फीट का आपका वो होगा? 6 फीट, 7 फीट का होगा? 7 फीट का होगा। 7 फीट वाला। अच्छा, तो डायरेक्ट ये इससे डाल देते हैं। लगभग कितना मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसमें आता है, इसको हम लोग अंदाज अनुमान लगा लेते हैं। इसमें टोटल 25 तक गाड़ी आता है, 20-22 तक गाड़ी आता है। 20-22 तक गाड़ी आता है एक बार में। तो कितना कितना रेशियो मिलाते हैं उसको? 7 से 11 को मिलाते हैं, उसको 10 मिलाते हैं, ऐसे करते हैं बनाते हैं। अच्छा, एक अनुमानित लगाते हैं, अगर ठीक तो नहीं रहता है लेकिन ठीक रहते हैं, रेशियो बराबर करता है। इसमें लोडर से क्या क्या फायदा हो रहा है? जैसे एक हो गया समय का फायदा, हो गया समय का फायदा, हो गया लेबर का बचत हो गया, और इसमें अगर कोई आदमी बहुत कम आता है फिर भी अपना काम चलता है, रुकता ही नहीं। अच्छा, नहीं भी है तो हमारा काम होना ही होना है। अच्छा, ऐसा है। और किस नाम से फर्म अपना? वीके वृक्ष। दुर्गा जिले में आता है। स्मृति नगर का अपना सर है कमलेश देवांगन। अच्छा, उसका लड़का है विक्रांत देवांगन, वो अभी संचालित करता है, फार्म वही देखता है। अच्छा, वही देखते हैं। कितना और प्लांट है उनका? यही है प्लांट है, ये क्रेशर वगैरह है सब उसी का। अच्छा, चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। क्योंकि आप बढ़िया चलाइए इसमें, है ना, समय में ग्रेसिंग करवाइए, होना चाहिए जब भी 6-6 घंटे में ग्रेसिंग करवाओ।